पांच महाव्रत हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो संन्यास का जीवन है उसको जीने के लिए पांच महाव्रत का कॉन्सेप्ट दिया। पांच महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये पांच महाव्रत सभी धर्म वाले पालन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति के एक बड़े सूत्रों में से आता है। संन्यास का जीवन जीने के लिए जो हमारी पहले 100 वर्ष की उम्र के जो 4 पड़ाव होते, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, लेकिन आजकल जो है वह उम्र का कोई समय नहीं होता है। व्यक्ति जब चाहे जब वो है सन्यासी बन सकता है। तो हमारी अहिंसा का अर्थ यह हुआ कि प्राणी मात्र को कोई भी कष्ट न देना, उसके प्रति बुरा चिंतन भी नहीं करना, अपने लिए भी बुरा नहीं चिंतन करना, दूसरे किसी के लिए भी बुरे का चिंतन न करना, ये अहिंसा की सूक्ष्मतम व्याख्या है। और सत्य का मतलब झूठ न बोलना, ऐसा झूठ जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, दुख पहुँचे, किसी का अहित हो, वो झूठ नहीं बोलना। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अचौर्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु को बिना मांगे लेना नहीं, और वह बुरी बुद्धि के साथ में हड़पना नहीं है। अहिंसा, सत्य, चोरी और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मचर्या करना, भगवान की भक्ति में चर्या करना, अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। और जो गृहस्थ का जो 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 आपस के अंदर बच्चे बच्चे पैदा करने का जो कार्य है उसमें भी नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य में आता है। एक पति पत्नी का धर्म निभाना भी गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य में आता है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जितनी शरीर की, बच्चों की, समाज की आवश्यकता हो उससे अतिरिक्त संग्रह न करना अपरिग्रह में आता है।